नमस्कार। सो एमसीसी या ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे मॉपअप चालू हो गया है और उसका रिजल्ट आज या कल में ही आ जाएगा। तो लोग पूछ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं भरी और काफी सीटें वेकेंट आई। सबसे पहले ये जो कोई खुशखबरी है कि तकरीबन 550-600 के करीब सरकारी सीटें अभी भी अवेलेबल हैं अक्रॉस जितना भी ऑल इंडिया कोटा में, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू था, तो जितने भी जिपमर, बीएचयू, जितने भी इसके अंदर आते हैं, तकरीबन टोटल मिला के उतनी सीट अवेलेबल है। तो एक टेबल सी है जो छापी गई है और उस टेबल को देख के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसमें कहाँ कहाँ पर सीट अवेलेबल है। और कुछ तो मेरे भी क्लाइंट थे तो आई नो कि कैसे सीट मिली है या लेडी हार्डी में कैसे सीट अवेलेबल हुई है और एक ही पर्टिकुलर कोटे की वो सीट्स हैं क्योंकि उस स्टूडेंट को ही कहीं और एडमिशन मिल गया था और वो मुझे मालूम है भी, हमारा ही बच्चा था वो जिसने मौका भरा था, बट मौका भरते समय ही उसको कहीं पर और एडमिशन मिल गया था। तो पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल डिफरेंट हो रहा है। बाबर कहते हैं लास्ट ईयर तो ऑल इंडिया कोटा की सीट राउंड टू के बाद रिवर्ट हो जाती थी और इस लिस्ट में कोई भी डीम्ड की सीट नहीं है। तो क्या डीम्ड की सीटें खाली हो गई हैं? जी नहीं। तो एमसीसी है वो स्ट्रे मॉपअप जो कि चौथा राउंड होता है उसमें सरकारी कॉलेजों की काउंसलिंग करा रही है सिर्फ, और वो ऑनलाइन हो रही है जो लास्ट ईयर ऑफलाइन होती थी। और हमसे पूछा भी नहीं गया, हमसे बटन भी नहीं दबाया गया, क्योंकि मॉपअप में भी उसी ने अप्लाई करा था। अगर आप इनकी कंडीशन देखो कि जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला था, राइट, ओनली दोस वर सपोज टू फिल अप मॉपअप, वही काउंसलिंग, वही चॉइस फिलिंग अब इस्तेमाल हो रही है स्ट्रे मॉपअप में। किसी को भी नया कुछ नहीं करना है और बेस्ड ऑन जो आप लोगों ने पहले फॉर्म भर रखे थे उसके हिसाब से आपको सीटें अलोकेट हो जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एलोकेट सीट्स फॉर सरकारी कॉलेजेस इन द नेक्स्ट टू डेज, टुडे और टुमारो, और फिर सेम प्रोसेस चलेगी उसको रिपोर्टिंग करने की। तो ये हो रहा है सरकारी सीटों में। और एमसीसी जो डीम्ड काउंसलिंग कराती थी, अब डीम्ड की सारी बची हुई सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज को वापस कर दी गई हैं और वो अपने हिसाब से भरेंगे। और वो वैकेंसी जनरली यहां नहीं छपती है, वो आपको बेसिकली जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और इंडिविजुअली वो बताएंगे कि उनके पास कोई सीट है कि नहीं है, वो जो अपना स्ट्रे मॉपअप राउंड है वो कब कंडक्ट करने वाले हैं, और सबकी अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है और उसके हिसाब से वो डेट फाइनल करेंगे। अगले 6-7 दिन में तकरीबन सारी इंडिया की डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपना स्ट्रे मॉपअप राउंड कंडक्ट करेंगी। और यही मौका होता है लोगों को एडमिशन लेने का जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है जिनके पास सीटें अभी भी बची हुई हैं तो वो नेगोशिएट भी करती हैं, कम फीस में भी दे देती हैं, तो वो सब प्रोग्राम या कार्यक्रम अब होता है। तो डीम्ड बिल्कुल अलग अप्रोच चलेगी, अगले 5-7 दिन आपको इंडिविजुअली डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना है या आप हम जैसे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके बिहाफ पे अप्रोच करते हैं जिसकी हमारी, हम एक नॉमिनल फीस लेते हैं। गवर्नमेंट में भी लास्ट ईयर हमारा बहुत रोल रहता था और हम ट्रैक करते थे कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी सीट खाली है, जो हमें नजर ही आ रहा है कि किस एम्स में कितनी खाली सीट है, किस कॉलेज में कितनी खाली सीट है। कॉलेज तो लास्ट ईयर होता नहीं था, लेकिन इस साल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन में भी हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ जो सीट एलोकेशन होगा वो आपकी मॉपअप की चॉइस फिलिंग के हिसाब से अपने आप वो लोग आपको सीट दे देंगे। तो यही आपको ध्यान होगा। तो उन्होंने जो आपको काउंसलिंग शेड्यूल पहले बना के दिया था एमसीसी वालों ने कि मॉपअप राउंड है वो अपने आप होगा जिसमें हमें कुछ नहीं करना, और वो कार्यक्रम बस अब शुरू हो चुका है। तो अगर आप जो उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल का था लास्ट पेज पे जाएंगे तो क्लियरली नजर आएगा कि ऑनलाइन जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसे अगर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे तो नो फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करनी है, जो मॉपअप राउंड में हमने चॉइस भरी थी उसके हिसाब से वो हमें सीट एलोकेशन कर देंगे। और चूंकि वो कल परसों में नहीं हुआ था तो वो आज में और कल में मैक्सिमम हो जाएगा, ताकि फिर आप कल तक हो जाएगा, सॉरी कल या परसों तक, और फिर आप 5 से लेकर 10 तारीख तक अपनी रिपोर्ट कीजिए। और सिमिलरली डीम यूनिवर्सिटीज, मैंने बोला नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, और 5 से 10 में सारी डीम यूनिवर्सिटीज में भी अपना अपना वो स्ट्रे मॉपअप राउंड कंडक्ट करेंगे। और 11 अप्रैल तक मेरे ख्याल से, या जो नेक्स्ट सैटरडे शुडाई से, सारे एडमिशन खत्म हो जाने चाहिए। सो दिस MBBS 2021 काउंसलिंग प्रोसेस शुड फिनिश बाय 10th अप्रैल। तो ये है प्रोसेस। तो जैसा मैंने कहा ऑल इंडिया कोटा में कुछ करने को नहीं है। कई लोग ऐसे थे, उन्होंने समझदारी दिखाई, राउंड 3 के मॉपअप में उन्होंने डीम नहीं भरी। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मतलब जो मार्जिन पे थे बेचारे 598 वाले, 597 वाले, और अब वो फंस गए हैं क्योंकि वो चाहकर भी सस्ती वाली डीम, देखिए इस समय जो आपको, जो मैंने बोला कि नेगोशिएटेड अवेलेबल है, दे ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक का जो पैकेज आता है,
वर्सिम बॉय से या कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, वो आपको पैकेज में नहीं मिलती हैं, और उनकी सीटें अगर बच भी गई होंगी बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशंस कि लोगों ने मॉपअप भरा और उन्हें कहीं और मिल गया, तो वो सीटें अब स्टे मॉपअप में अपने आप उसको मिलेंगी जिन्होंने पहले से ही वो ऑप्शन दे रखी थी मॉपअप में और मॉपअप में उन्हें नहीं मिली। तो वो लोग जो ये समझदारी दिखा रहे थे कि हम मॉपअप में प्राइवेट नहीं भरेंगे, सरकारी देखते हैं और सरकारी नहीं मिलेगी तो स्टे मॉपअप में भर देंगे, वो नहीं भर पाएंगे। और यही मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि वाई यू नीड अ प्रोफेशनल काउंसलर। लोगों को यही नहीं पता था कि जो चॉइस फिलिंग है जो भी क्लियरली लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल जब से छपा हुआ है क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टे मॉपअप में ना फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तो फिर अब लोग फोन कर रहे हैं कि सर अब हम सिम्बोसिस भरना चाहते हैं या अब हम ये करना चाहते हैं। मैं कभी अब तो हो नहीं सकता ना, मेरे पास स्टूडेंट का भी फोन आया 597 मार्क्स है सर मैं क्या करूं। मैं कुछ नहीं, दुआ करो कि आपको स्टे मॉपअप में कल एक सीट एलोकेट हो जाए, नहीं तो आप खाली हो, क्योंकि पहले आपको मिल सकती थी 60-65 लाख वाले बजट की सीट। और उसका भी मैंने कहा ना कि ऑल इंडिया में मॉपअप तक वेट करना एक काफी वो रहता है, मतलब यू हैव टेकन योर चांसेस। अब स्टे मॉपअप तक आप वेट कर रहे हो तो आप फिर आप मान के चलो कि आपको सिर्फ सरकारी सीट चाहिए। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि अगर कोई 590 रेंज वाले अगर स्टे मॉपअप तक वेट कर रहे हैं तो फिर आपको अपने दिल को ना बड़ा कैडा करना पड़ता है कि वी विल नॉट गो फॉर प्राइवेट सीट, वी विल ड्रॉप। लेकिन अब लास्ट में आके लोग रो रहे हैं एक्चुअली कि सर अब हमें वही सस्ती वाली मिल जाए, छत्तीसगढ़ वाली मिल जाए, कर्नाटका की 990,000 वाली मिल जाए। तो उसका फोन तो यही आया था कि सर जो हमने अभी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया आपका वीडियो देख के स्टे मॉपअप का, तो आप मेरे को 990,000 वाली दिला दो। मैं कहा 990,000 वाली आपको लगता है कि मॉपअप के बाद कहीं बची होगी? मैं कहा ये जो रजिस्ट्रेशन है ये तो वो जो 30 लाख एनुअल फीस वाले कॉलेजेस हैं वाली सीट्स हैं जो नेगोशिएट होकर आपको 20-22 लाख पर ईयर में मिल जाती हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन था। मैं कहा 990,000 की फीस आपको लगता है कि मॉपअप के बाद एक भी सीट बचेगी? और बचेंगी भी तो कॉलेज के लेवल पर जा चुकी है, वो पता नहीं देंगे कि भी नहीं, खैर 99% बचेंगी नहीं। तो जब आप इतना वेट करते हैं तो फिर आपको ये सोच के वेट करना चाहिए कि अब मैं सरकारी कॉलेजेस के लिए ही जाऊंगा, तो उतना मन हमारा मजबूत हमेशा होना चाहिए। और यही है, तो बस सरकारी अपना पा जाएगा, प्राइवेट और डीम्ड सबसे क्रिटिकल है अगले 7 दिन। तो जिसको भी एडमिशन्स चाहिए पक्का चाहिए वो अपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर लें, या आप खुद एक एक डीम यूनिवर्सिटी में फ़ोन कीजिए, उनकी वेबसाइट रेगुलरली चेक कीजिए, देखिए कि स्ट्रीम अपअप कब कहाँ पर होने वाला है, कितनी सीटें अवेलेबल है, और वहाँ पर आप समय से पहुँचिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टेप है जो भी स्ट्रे मॉपअप एमसीजी काउंसलिंग के लिए वो थे। और सरकारी में मैंने जैसे पहले लोगों को कह रखा कुछ नहीं करना, सब कुछ कंप्यूटर अपने आप आपके लिए करने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आज भी आप हमारा अगर काउंसलिंग पैकेज लेना चाहते हैं स्पेशली अब डीम्ड की सीट लेने के लिए, तो यू कैन कॉल अस एट 9643362320। हमारा एक बेसिक मिनिमम चार्जेस हैं 25,000 रुपीज, जिसमें हम आपका केस पकड़ते हैं और फिर आपको बेस्ट सीट दिलाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।